global advertiser for innovative outdoor solutions. It's amazing. शायरा दिव्या की जोड़ी बहुत अच्छी थी. इट वॉज रिफ्रेशिंग. इट वॉज लाइक समथिंग बेटर देन अदर देन रणवीर सिंह शाहिद के साथ शी वॉज पेयरिंग. इट वॉज वेरी नाइस. नहीं होनी चाहिए थी. बहुत अननेसेसरी थी. एक फ़ायदा है सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी का, मूवी कट की गई है. बिकॉज ऐसे लग रहा था दो दिन से मूवी देख रहे हैं. बहुत लंबी मूवी थी बट इट वॉज वेरी नाइस. आई लव्ड इट. The last song before the climax, Ek Dil Hai Ek Jaan Hai. That was nice. Other than that, songs were unnecessary. Four stars. जो हम आज के टाइम पे एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं ये शायद उस वक्त से चला आ रहा है. लोगों को नोटिस नहीं किया, लोगों ने नोटिस नहीं किया. मिलना चाहिए सबको. देखनी चाहिए स्पेशली वुमेन को. देखनी चाहिए कि वो अपने प्राइड के लिए क्या हद तक जा सकती है. देश में स्टेट ऑफ एनी सर ये तो ये मतलब एक कैरेक्टर है कि मतलब रणवीर सिंह ही अच्छा होगा क्योंकि एक ग्रेट एक्ट्रेस कैरेक्टर था. बट उसमें भी शाहिद कपूर ने भी अपना एक स्टैंड रखा है इस फिल्म में. दीपिका पादुकोण जी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी लेकिन स्टैंड आउट परफॉर्मर रणवीर सिंह हम कह सकते हैं. मैं फिल्म पद्मावती के बारे में यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एक बार आप वो फिल्म जाके देखिए कि किस तरीके की फिल्म है. और मुझे तो बहुत ही अच्छी फिल्म लगी और मैं बहुत बार वो फिल्म देखना चाहूँगी. फिल्म में मुझे रणवीर सिंह की एक्टिंग, दीपिका की एक्टिंग, शाहिद की एक्टिंग, सबकी एक्टिंग मुझे बहुत ही बेस्ट लगी. और जिस तरह की इसमें स्टोरी दिखाया गया है पद्मावती के मान सम्मान को लेकर, जिस तरह की उसमें बताया गया है, मुझे सबसे अच्छी ये चीज़ लगी. परफॉर्मेंस की बात करें तो वो विलन के रूप में बहुत ही औसम लग रहे हैं और वो एक हीरो के रूप में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. तो मुझे दोनों की परफॉर्मेंस, मतलब जज नहीं कर सकते किसकी ज़्यादा अच्छी है, मुझे दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ही सही लगी. बहुत ही अच्छी. इट्स क्वाइट गुड. या सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? स्टोरी लाइन कैसी है? सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया जो अलाउद्दीन खिलजी को उसकी इच्छा व्यक्त करने कैसे व्यक्त करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, वो सबसे मुझे ज़्यादा पसंद आया. नो सेंस. एक नहीं, कम से कम तीन बार देखनी चाहिए और चार बार पढ़ना चाहिए जो क्या कहना चाहते थे. तो उसके बाद वो सामने से बोलेंगे कुछ गलत हो रहा था. ऑब्वियसली रणवीर एंड जोक्स अबाउट, बट दीपिका आई तभी लग रहा था तनिष्क इट इज गोइंग ऑन. मैं पद्मावती के लिए जो कुछ भी कहूँगी, मीन्स जितना कहूँ उतनी कमी है. बहुत औसम मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है. इसकी स्टोरी सबसे हट के, उसमें जो प्यार दिखाया गया है, जो जुनूनियत दिखाई गई है, सबसे अलग, सबसे हट के औसम मूवी है. हाँ, जो अगर हम विवाद की बात करें तो विवाद तो बिल्कुल भी नहीं सही था. इसमें जो करनी सेना ने जितने लोग ने आवाज़ उठाई है इसके खिलाफ, बिल्कुल भी नहीं सही था. विवाद करने का कोई मीन्स इसका मूवी से कोई लेना देना ही नहीं था. हाँ, सबसे अच्छा. हाँ, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो है रणवीर सिंह की है. रणवीर सिंह ने जिस तरीके से किरदार निभाया, जिस तरीके से उसने एक्टिंग किया है, माइंड ब्लोइंग. मीन्स उसके जैसा एक्टिंग किसी एक्टर का नहीं देखा है. उसने इतना अच्छा एक्टिंग किया है. उसका पागलपन, उसकी जुनूनियत पद्मावती के लिए ऑसम, माइंड ब्लोइंग. हाँ, अगर गाने की बात करें तो गाने कोई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है. थोड़ा थोड़ा गाने सुन के बोर हो रहा था, लेकिन जो पहला गाना था ना घूमर गाना, वो बहुत अच्छा था. हाँ, मैं दर्शकों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर जाके मूवी देख कर आइए. फालतू की कंट्रोवर्सी पे बिलीव मत करिए कुछ भी, मतलब मेरी बात सुनिए. प्लीज़ प्लीज़ जाके एक बार मूवी देख करो. अगर आपके आँख में आंसू नहीं आया ना तो मेरा नाम बदल देना. अगर स्टार की बात करें तो अगर 5 में से 5 देने की बात है तो मैं 5 में से 5 दूंगी. अगर उससे ऊपर देने की बात है तो मैं 5 में से 10 दूंगी. जय भवानी सबसे पहले तो बिल्कुल भी नहीं.
होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें राजपूतों के आत्मसम्मान के बारे में दिखाया गया है, बल्कि आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं दिखाया। तो उनका किस एंगल से उनका सर नीचे होगा भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वेलकम। मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जो स्टोरी है पद्मावती की, वो एक्चुअली सही से दिखाई गई है कि पद्मावती ने अपने राजा का, अपने राजपूत होने का ऑनर किया, उन्होंने अपना बलिदान दिया। वो सिर्फ एक रानी दे सकती थी, कोई नॉर्मल इंसान नहीं दे सकता था। और जो कंट्रोवर्सीज थी वो बिना देखे दी गई थी, तो उसका पॉइंट ही ख़त्म हो जाता है। आप किसी चीज़ को देखिए, परखिए, उसके बाद उसकी कंट्रोवर्सी, उसके बारे में बात कीजिए, तब उसका वो होता है। आजकल की जनरेशन वही करती है। आजकल की जनरेशन जो टिंडर विंडर है, सब दे वांट एक्सपीरियंस एंड देन टॉक अबाउट इट। सो फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड देन टॉक अबाउट इट, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट एंड जस्ट मेकिंग अ जजमेंट अबाउट इट। ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं कि पहले उन्होंने फिल्म देखनी चाहिए और फिर बात करनी चाहिए? बिल्कुल, आप फिल्म देखिए, उसके बारे में जानिए कि आजकल की जो जनरेशन है जो बिना बोले बात करती है, आधी इंफॉर्मेशन उनके पास होती नहीं है। पद्मावती पद्मावती करके वो उस पर झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। आप पढ़िए, लिखिए, आप उसके बारे में जानकारी देखिए, उसके बाद पिक्चर देखिए, फिर आप कहिए कि इसने ये वाला एक्शन गलत किया या ये गलत चीज़ करी या ये गलत चीज़ करी, तो वो जस्टिफाई होता है। राजपूतों को आप क्या कहना चाहेंगे, इस फिल्म में राजपूतों को कैसे दर्शाया गया है? राजपूतों को राजपूतों की तरह दर्शाया गया है। जो एक एक चीज़ कही है कि राजपूत वो है जिसके धड़ से सर अलग हो जाए पर तब भी लड़ता है, तो वो भी चीज़ एक एक सीन में दिखाई गई है कि वो उसका धड़ अलग हो गया मगर तब भी वो लड़ रहा है। तो राजपूतों को तो और ऊंचा दिखाया गया कि राजपूत वो जो तलवार की नोक पे अपना वो रखें या ताव करें, तो कंट्रोवर्शियल दिखाई दिया आपको राजपूतों के बारे में? बिल्कुल भी नहीं। राजपूत का ऑनर मुझे लगता है कि और लोगों की नज़र में बढ़ जाएगा कि भाई राजपूत था वो, कि उन्होंने कितने उनको मौके मिले कि अलाउद्दीन खिलजी को मार दे, चाकू तलवार उनके हाथ में थी पर नहीं मारा क्योंकि राजपूत हैं वो। तो everything, मतलब the music, the sets, the acting was amazing, मतलब all three of them portrayed in such a beautiful manner, it was there's like no words for it. सबसे अच्छी performance अगर कहना चाहिए, देखिए every actor if he gets a grey shade he's always exact, मतलब there's always so much room to play for. So Ranveer Singh had the grey shade and he definitely played it to the part, but Shahid Kapoor was amazing as a Rajput. His anger, his emotions, his honor was all there in his eyes. Plus, Deepika Padukone was Deepika Padukone. The beauty, the simplicity, the Rajput's dignity that she preserved, and the love that she showed towards her husband was amazing. मतलब मैं तो 5 रेटिंग को समझता हूँ कि कमी पड़ जाएगी, क्योंकि आई वुड रादर गिव इट अ 6, तो आई विल गिव इट अ 6। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट, एंड दैट इज द रीजन our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.